नमस्कार, बांसुरी रिव्यू सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज भी एक ख़ास मेहमान जिनका फ्लूट मैं चेक कर रहा हूँ और रिव्यू कर रहा हूँ। तो इन रिव्यूज़ में एक अहम बात यह है कि कोई भी मेकर किसी से भी कम या ज़्यादा नहीं होता। हर बांसुरी अपने आप में जो बनाना जानता है, जो इसकी प्रक्रिया जानता है, इसको बांसुरी को बनाने की टेक्निक जो जानता है, वो बखूबी जानता है कि हर बांसुरी हमेशा सुर में नहीं आ सकती। कभी कभी बांस बिगड़ भी जाती है किसी भी कारण, कभी होल की साइज़ बड़ी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो मैं इन मेकर्स को कंपेयर नहीं कर रहा, ना इनकी बांसुरियों को कंपेयर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उन्होंने जो मुझे बांसुरी दी है उस बांसुरी का मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, आज डीपी फ्लूट्स का रिव्यू है। डीपी फ्लूट्स जिसे बनाते हैं दिनेश जी, और डीपी उनके और उनके धर्मपत्नी जी के नाम का इनिशियल है। दार्जिलिंग में रहते हैं वो, इंडियन नेवी में अपना सर्विस दे चुके हैं। सो ऑलरेडी उनको सलाम, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन लोगों की जाने, इन लोगों का काम, इन लोगों की देशभक्ति, इन लोगों का जो आम जनता के प्रति जो सर्विस होता है देश के, वो अमूल्य है। और हम लोगों को हमेशा ही उन लोगों की कदर करनी चाहिए, भले वो फ्लूट मेकर हों या ना हों। इत्तेफाकन दिनेश जी फ्लूट मेकर भी हैं, नेवी में रहकर उनके रिटायरमेंट, अभी एक सर्विसमैन हैं, तो उनकी रिटायरमेंट के टाइम के आसपास उन्होंने बांसुरी किसी को बजाते हुए देखा, दो तीन लोगों को बजाते हुए देखा, और फिर उन्होंने भी यही देखा कि ये मैं भी बनाना चाहता हूँ। खुद बजाना चाहते थे, सीखना चाहते थे, पर उनकी रुचि बनाने की ओर ज़्यादा बढ़ गया। और कहते हैं ना कि अपना काम हमें ढूंढ लेता है, तो बांसुरी बनाने के काम ने उनको ढूंढ लिया। डीपी फ्लूट्स ने मुझे दो बांसुरियाँ भेजी हैं, एक ई बेस की और एक बी मिडिल फ्लूट। मुझे इंटरेस्टिंग लगा इनका प्रेजेंटेशन कि उन्होंने बहुत खूबसूरत बैग बनाया, और बैग में उन्होंने अपना एक मोटो लिखा है, हर सुर पक्का। अब देखते हैं हर सुर पक्का है कि नहीं। और मैंने उनको ये भी बोला था कि मैं बहुत सभी को बोलता हूँ कि मेरा रिव्यू ऑनेस्ट होता है, अगर मुझे नहीं कहीं पर भी गड़बड़ लगा अगर, तो मैं बोल देता हूँ। पर फिर वही बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि इससे मेकर के गुणों का पता नहीं चलता, पर इस बांसुरी में कोई अगर खामी होगी तो मैं वो बताऊँगा। सबसे पहले तो देखते हैं बांसुरी कैसी है। बहुत अच्छी चमक आई है, बहुत अच्छा लुक आया है। एक अच्छा काम किया कि उन्होंने बजाने के बांसुरी के आखिर में अपना ब्रांडिंग किया है। तो वो जो प्लेयर होता है, यहाँ पे ब्रांडिंग करने से उसका अपना एक प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हो ही जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। सीखने की बात है ये कि ब्रांडिंग यहाँ हो रही है, और बाकी बांसुरी का लुक और फिनिश देखिए। और हाल ही में इन्होंने अपने जो रंग है बांसुरी के धागे का जो बांधते हैं, उस रंग को अभी उन्होंने कॉफ़ी ब्राउन कर दिया है, और दोनों ही फ्लूट्स में वही रंग है। तो अभी ये इनका ब्रांडिंग होने वाला है। सो देखते हैं साउंड कैसा है। ये सब तो ठीक है, मैं ई बेस की फ्लूट बजाने वाला हूँ। और आपसे ऑनेस्टली ये भी कहूँगा कि उन्होंने इस बांसुरी को ख़ास मेरे लिए बनाया है। सो इसमें थोड़ी शाइन और थोड़ा फिनिश और इस पे उन्होंने काम किया है, ये उन्होंने मुझे बताया था। सो ये मैं आपको भी बता दूं। सो आप अगर चाहो तो ऑर्डर करने के टाइम आप बांसुरी अपना ऐसी फिनिश की मंगा सकते हैं, या नॉर्मल फिनिश रख सकते हैं। पहले ये सुन के देखते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, रिएक्शन आप कमेंट में लिख के भेजिए कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। Thank you.
टू बी वेरी ऑनेस्ट, द साउंड ऑफ दिस फ्लूट, इस बांसुरी का जो साउंड है, ये मेरे सबसे बेस्ट फ्लूट के मुकाबले बराबरी के हिस्से में है. पर एक जगह मुझे हल्का सा ये बांसुरी बेसुरी लगी, जो तीव्र मध्यम है वो थोड़ा कम लगा मुझे पर्सनली, मेरे बजाने के स्टाइल से. यहाँ होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मैं इस बांसुरी को ऐसे बजा नहीं सकता, बट हर बार बजाते समय थोड़ा सा अगर एडजस्ट कर लूँ तो शायद सुनते समय ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये तीव्र मध्यम कम लग रहा है. धैवत. ओके, दैवत की पोजीशन में पंचम भी हल्का चढ़ा लगा. और या तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने क्लासिकल की ट्यूनिंग में करी है, मैंने इनसे ट्यूनिंग के बारे में बात नहीं की, तो शायद ई में से ये जो पंचम बजता है एकदम करेक्ट बजता है, टेम्पर्ड स्केल की बात नहीं है. नहीं, चढ़ा बिल्कुल है. है, माफ़ी चाहता हूँ, मेरी गलती. ऐसे क्यों हुआ? इसका मतलब है कि शायद मैं बजाते समय उसको नेचुरली जो सुन रहा हूँ मैं एडजस्ट कर करके बजा रहा हूँ शायद, या नहीं पता नहीं मुझे. अभी चढ़ा हुआ लग रहा से क्या होता है, ये पक्का पता चलता है कि मेकर बेसुरा नहीं होता, उसकी चेकिंग में शायद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है. मेरी ये गुजारिश है सारे मेकर से, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट वैसे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले, गिटार, ड्रम्स, कीबोर्ड, उन इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले ये वैसे इतना महंगा नहीं बिकता. इसमें महंगे से महंगा बांसुरी भी काफ़ी सस्ते गिटार या सैक्सोफोन के मुकाबले उसी प्राइस रेंज में बिकता है. तो अगर आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि थोड़ा सा और सुर की तरफ पक्का ध्यान दिया करें, क्योंकि वो मेहनत कहीं ना कहीं आप ही पर बैकफायर कर सकती है, या फिर ऐसे हो सकता है कि किसी ऐसे स्टूडेंट ने या प्लेयर ने ख़रीदा है जो आपको वापस नहीं कर पा रहा हो, या जिसको इंस्ट्रूमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है अर्जेंट बेसिस पर, और क्योंकि कहीं एक जगह पे प्लेयर की पोजीशन से शायद बेसुरा लगने लगे. तो इसका एक और तोड़ भी है कि आप प्लेयर के साथ एक रिश्ता कायम करें. प्लेयर को भी ये चीज़ जाननी चाहिए कि हर किसी से हमेशा ही फ्लूट ना खरीदें, किसी एक मेकर या दो मेकर्स के साथ ऐसा एक रिश्ता कायम करें जिससे कि मेकर को भी पता चले कि इस प्लेयर का रखाव कैसा है, या इसकी ब्लोइंग की स्ट्रेंथ क्या है,
ये किस जगह पे कैसे बजाता है, इन सारे चीज़ों का जो है असर बांसुरी पर पड़ता ही है। अब लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज़ जब बोली थी भाविका फ्लूट्स के ऊपर, तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स पे लिखा कि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा या मैं कर नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है, किसी का बुराई करके ये हम कॉम्पिटिशन नहीं लगा रहे हैं, हम सीखने के इसको एक माध्यम बना के हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो हर कोई हर किसी से सीख ज़रूर सकता है, मैं भी सीख रहा हूँ और नई नई बातें मुझे यंग लड़के जो बजाते हैं, लड़के लड़कियाँ, उनसे भी सीखने को मिलता है। तो हर मेकर अगर इसी भाव से चले कि, और अभी तक मैंने जिनसे भी बात की है वो ये सारे लोग सीखने के ही भाव से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी अपना काम 10 पैसा कम नहीं करना चाहता। हर आदमी, हर शख्स, खास करके ये भगवान का काम है बजाना भी और बांसुरी बनाना भी। ये बड़ा कैसे कहते हैं, भगवान को अगर आप ना भी मानो तो आध्यात्मिक काम है, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल वर्क। तो इसे करते समय कोई भी अपना काम कम क्वालिटी का नहीं करना चाहता, हर आदमी अपनी जगह सीख रहा है। तो शायद उस रिश्ते कायम करने की वजह से बांसुरी किसी एक प्लेयर के हाथ में सुरीली लगे और दूसरे प्लेयर के हाथ में शायद ना लगे। और मैं जिनका भी रिव्यू, जिनके भी फ्लूट्स की रिव्यू कर रहा हूँ, इनमें से किसी की भी फ्लूट मैंने नहीं बजाई या वो लोग भी मेरे प्लेइंग या मेरे प्रेफरेंस के बारे में नहीं जानते। तो आगे बढ़ते हैं। जवारी बहुत ही कमाल है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये बेस्ट मेकर्स की फ्लूट्स जो नामचीन हैं उनकी बांसुरी से ज़रा भी कम नहीं है। मेकिंग जो टोनैलिटी है, बांस की क्वालिटी है, या जवारी की बात हो गई, 90% ट्यूनिंग की जो बात हुई है, मैंने ऐसे भी बड़े बड़े मेकर्स के फ्लूट्स देखे हैं जिनमें ट्यूनिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। उसका कारण वही होता है कि प्लेयर टू प्लेयर फ़र्क ज़रूर होता है। सो ये मैं किसी की बुराई नहीं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। सो आगे बढ़ते हैं। निषाद को सा बना के, इससे मैं ये भी बोलूं कि कुछ हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को परखने के लिए कॉन्स्टेंटली YouTube वीडियो को चलाते हुए साथ में ट्यूनर ऐप लेके एक एक नोट चेक कर रहे हैं। वो जो ट्यूनर ऐप होता है वो हर नोट के अपनी टेम्पर स्केल के हिसाब से फ्रीक्वेंसी बताता है, और हम क्या सुन रहे हैं, ट्यूनिंग तानपुरे के हिसाब से, हम उस साग के हिसाब से बाकी जगहों की ट्यूनिंग सुन रहे हैं। सो अब 2-3 लोगों ने ऐसे भी कमेंट लिखा है कि आप तो बेसुरे को सुरीला बोल रहे हो या ऐसा कुछ टू दैट इफेक्ट। अगेन एंड अगेन, ये सुर का काम कान का होता है, ये किसी मीटर या गैजेट से या किसी यंत्र से आप इस चीज़ को माप नहीं सकते। अगर कान को अच्छा लगा, सुरीला लगा, तो सुरीला है और उस पर कोई बहस नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए। अब चलते हैं बी की फ्लूट पर। ओके, ये ओवरऑल थोड़ा चढ़ा लग रहा है, ये मुझे याद है, 2-3 दिन पहले चेक किया था मैंने। तो अब मैं 440 के हिसाब से अपना पोजीशन कर लेता हूँ और इसके हिसाब से फिर आगे की ट्यूनिंग देखते हैं। इसका तीव्र मध्यम बहुत अच्छा है।
सुर, बनावट, ये सारी बातें आप ही तय कीजिए। मैंने जितना हो सके उतना फ्लैट रिस्पांस के EQ से इस चीज़ को रिकॉर्ड किया है और इसी चीज़ को मैं YouTube के सिर्फ वॉल्यूम मात्र तक उसके एडजस्टमेंट के लिए मैं हल्का सा मास्टर ट्रैक में कंप्रेशन करता हूँ। वैसे भी मास्टर इसमें कुछ है नहीं, एक तानपुरा बज रहा है और मेरी वॉइस एक माइक है, बस दो ही इनपुट्स हैं। जाते जाते मैं दिनेश जी का एक वीडियो इंसर्ट करने वाला हूं। उन्होंने अपने वेबसाइट पर बहुत नए तरीके का सेल्स और मार्केटिंग शुरू किया है। उनके अपने यूट्यूब चैनल पर भी ये सारी चीज़ें हैं। उनका वेबसाइट अभी बन रहा है पर वो फ्लैश सेल अनाउंस करते हैं उसके बारे में, और ऑफकोर्स 1 रुपये में बांसुरी का ऑफ़र रखते हैं महीने में एक बार शायद। आप उन्हीं के जुमारी इस चीज़ को सुन लीजिए। दोस्तों नमस्कार, DP फ्लूट्स का एक ही मोटो है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हम फ्लूट को तब बनाना चालू करते हैं जब हमारे पास ऑर्डर आ जाते हैं। ऑर्डर जैसे हमारे पास आ जाते हैं तो हम उन कस्टमर को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आप स्पेसिफाई करें आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका टेस्ट क्या है, कुछ कस्टमाइजेशन करना हो तो आप हमें बताएं। तो जब वो हमें ठोस इनपुट दे देता है तो हम उसके हिसाब से काम करने में थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगता है, और उस बंदे को जब फ्लूट डिलीवर होती है तो वो उसके सेटिस्फाई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे पास अलग अलग फाइनेंशियल कैपेसिटी के लोग आते हैं, संपर्क करते हैं, बोलते हैं कि सर हमें ये फ्लूट हम थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कुछ हमें डिस्काउंट में दे सकते हैं क्या। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने कई ऑफर्स दिए, जैसे कि 2020 से ही मैंने DP फ्लूट्स फ्लैश सेल ऑफर दिया था जिसमें मैं 40-60% के डिस्काउंट पे फ्लूट को देता हूँ। फ्लैश सेल हमेशा नहीं होता, जब भी मेरे पास फ्लूट्स होती हैं फ्लैश सेल के लिए तभी मैं दे पाता हूँ, और फ्लैश सेल में फुली प्रोफेशनल फ्लूट्स ही होती हैं। बस कई बार क्या होता है कि इरेगुलरिटीज लाइक कि बैम्बू में ज़रूरत से ज़्यादा दाग धब्बे होना, हल्का बैंड होना, या फिर ये गोलाई है थोड़ा सा मतलब गोला ना होना, ऐसे फ्लूट्स को अगर मैं बना के कस्टमर को दूंगा तो वो थोड़े मतलब नाराज हो सकते हैं, थोड़ा दुखी हो सकते हैं, बोलेंगे कि इतने पैसे दिए फिर ऐसे फ्लूट भेज दिए। तो ये फ्लूट अच्छी तो होती है नो डाउट, तो ऐसे फ्लूट्स को मैं फ्लैश सेल में दे देता हूँ बोल के कि इस फ्लूट में ये इरेगुलरिटी है। तो कुछ मेरे कस्टमर्स ने DP फ्लूट्स फ्लैश सेल के बारे में रिव्यू भी किया है, आप वो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। दूसरा मैंने ऑफ़र अभी के दिन में, मैं ये तो हाल फिलहाल की बात है, मैंने जो ऑफ़र लेके आए वो है 1 रुपये में एक फ्लूट गिव अवे है। बेसिकली ये यूट्यूब पे मैं लाइव आता हूँ और इस गिव अवे के बारे में मैंने कुछ वीडियोस भी आपको बताई है। तो इसमें यही होता है कि वही फ्लूट्स जो फ्लैश सेल में देते हैं इनको मैं महीने में एक बेस फ्लूट और 2 मिडल फ्लूट 1 रुपये में दूंगा। ये एक कॉन्टेस्ट है, जो पार्टिसिपेट करता है उनमें से एक लकी जो विनर होता है उसको मैं ये फ्रूट दे देता हूँ, और उसको एक ही रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी, एक ही रुपये आपको उनको देना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे पास ये 2 बेहतरीन ऑफर हैं, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। इस बार गिव अवे की जगह पे 1 रुपये की फ्लूट और या तो फ्लैश सेल, इन चीज़ों का आप फ़ायदा उठाइए। और अगले एपिसोड में गिव अवे के साथ मैं आपके साथ आऊँगा। अगला एपिसोड किसके बांसुरी पर है वो जानने के लिए इस चैनल पर टिके रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।